मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश और दुनिया में फैले हुए सभी हिंदुस्तानी आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। इस आज़ादी के पावन पर्व पर प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामना। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। देश के आजादी का जंग कितने वर्षों तक लड़ा गया, कितनी पीढ़ियां खप गई, अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए, जवानी खपा दी, जेल में जिंदगी गुजार दी। देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले समर्पित उन सभी आजादी के सिपाहियों को मैं शत शत वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आजादी के इस पावन पर्व पर भारत के कोटि कोटि जनों को भी मैं प्रणाम करता हूं और आजादी के जंग के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका पुण्य स्मरण करते हुए हम आजादी के इस पावन पर्व पर मां भारती के कल्याण के लिए हमारे देश के गरीब पीड़ित दलित शोषित समाज के पिछड़े हुए सभी लोगों के कल्याण का, उनके लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का संकल्प करने का पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का एक अवसर होता है। राष्ट्रीय पर्व से प्रेरणा लेकर के भारत के राष्ट्रीय चरित्र, जन जन का राष्ट्रीय चरित्र जितना अधिक निखरे, जितना अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित हो, हर कार्यकलाप राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाए, अगर उस प्रकार का जीवन जीने का हम संकल्प करते हैं तो आजादी का पर्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रेरणा पर्व बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, यह देश राजनेताओं ने नहीं बनाया, यह देश शासकों ने नहीं बनाया है, यह देश सरकारों ने भी नहीं बनाया है। यह देश हमारे किसानों ने बनाया है, हमारे मजदूरों ने बनाया है, हमारी उन माताओं बहनों ने बनाया है, हमारे उन नौजवानों ने बनाया है, हमारे देश के ऋषियों मुनियों ने, आचार्यों ने, शिक्षकों ने, वैज्ञानिकों ने, समाज सेवकों ने, पीढ़ी दर पीढ़ी कोटि कोटि जनों की तपस्या से आज राष्ट्र यहां पहुंचा है। देश के लिए जीवन भर साधना करने वाले
ये सभी पीढ़ियां सभी महानुभव अभिनंदन के अधिकारी हैं। ये भारत के संविधान की शोभा है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि छोटे से नगर का गरीब परिवार का एक बालक आज लाल किले की प्राचीर से भारत के तिरंगे झंडे पर उसके सामने सर झुकाने के लिए उसने सौभाग्य प्राप्त किया। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, ये भारत के संविधान के रचयिताओं ने दिया हुआ हमें अनमोल सौगात है। मैं भारत के संविधान के निर्माताओं को इस पर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, इस देश की सभी सरकारों का योगदान है, इस देश के सभी राज्यों की सरकारों का भी योगदान है। मैं वर्तमान भारत की उस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करने वाले सभी पूर्व सरकारों को, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को, उनके सभी कामों को जिसने कारण राष्ट्र का गौरव बढ़ा है, उन सब के प्रति इस पल आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। यह देश पुरातन सांस्कृतिक धरोहर की उस नींव पर खड़ा है जहां पर वेद काल में हमें एक ही मंत्र सुनाया जाता है जो हमारी कार्य संस्कृति का परिचय है। हम सीखते आए हैं, पुण्य स्मरण करते आए हैं, संगच्छध्वं संवद्धं संवो मनासि जानताम। हम साथ चले, मिलके चले, मिलके सोचे, मिलके संकल्प करें और मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाए। इस मूल मंत्र को लेकर के 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाना। कल ही नई सरकार के प्रथम संसद के सत्र का समापन हुआ। मैं आज गर्व से कहता हूं कि संसद का सत्र हमारी सोच की पहचान है, हमारे इरादों की अभिव्यक्ति है। हम बहुमति के बल पर चलने वाले लोग नहीं हैं, हम बहुमति के बल पर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हम सहमति की मजबूत धरातल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। संगच्छध्वं, और इसलिए इस पूरे संसद के कार्यकाल को देश ने देखा होगा, सभी दलों का साथ लेकर के, विपक्ष को जोड़ करके, कंधे से कंधा मिलाकर ये चलने में हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है, और उसका यश सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं जाता है, उसका यश सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं जाता है, उसका यश प्रतिपक्ष को भी जाता है, प्रतिपक्ष के सभी नेताओं को भी जाता है, प्रतिपक्ष के सभी सांसदों को भी जाता है। और लाल किले की प्राचीर से गर्व के साथ मैं इन सभी सांसदों का अभिवादन करता हूं, सभी राजनीतिक दलों का भी अभिवादन करता हूं, जहां सहमति की मजबूत धरातल पर हम राष्ट्र को आगे ले जाने के महत्वपूर्ण निर्णय कर करके हमने संसद का कल सत्र का समापन किया है। भाइयों बहनों, मैं दिल्ली के लिए आउटसाइडर,
मैं दिल्ली की दुनिया का इंसान नहीं हूं, मैं यहां के राजकाज को भी नहीं जानता हूं, यहां की एलिट क्लास से तो मैं बहुत अछूता रहा हूं, लेकिन एक बाहर के व्यक्ति ने, एक आउटसाइडर ने दिल्ली आकर के पिछले 2 महीने में एक इनसाइडर व्यू लिया तो मैं चौंक गया। ये मंच राजनीति का नहीं है, राष्ट्रनीति का मंच है, और इसलिए मेरी बात को राजनीति के तराजू से न तोला जाए। मैंने पहले ही कहा है, मैं सभी पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सरकारों का अभिवादन करता हूं जिन्होंने देश को यहां तक पहुंचाया है। मैं बात कुछ और करने जा रहा हूं, और इसलिए इसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए। मैंने जब दिल्ली आकर के एक इनसाइडर व्यू देखा तो मैंने अनुभव किया, मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे एक सरकार के अंदर भी दर्जनों अलग अलग सरकारें चल रही है, हर एक की जैसे अपनी अपनी जागीरें बनी हुई हैं। मुझे बिखराव नजर आया, मुझे टकराव नजर आया, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भीड़ रहा है, और यहां तक भीड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके एक ही सरकार के 2 डिपार्टमेंट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिखराव, ये टकराव, एक ही देश के लोग, हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? और इसलिए मैंने कोशिश प्रारंभ की है उन दीवारों को गिराने की। मैंने कोशिश प्रारंभ की है, सरकार एक असेंबल एंटिटी नहीं बट एक ऑर्गेनिक यूनिटी बने, ऑर्गेनिक एंटिटी बने, एक रस हो सरकार, एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति, इस मुकाम पर हम देश को चलाने का संकल्प करें, हम चल सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले, इन दिनों अखबारों में चर्चा चलती है, वे मोदी जी की सरकार आ गई, अफसर लोग समय पर सरकार ऑफिस जाते हैं, समय पर ऑफिस खुल जाती है, लोग पहुंच जाते हैं। मैं देख रहा था हिंदुस्तान के नेशनल न्यूज़पेपर कहे जाए, टीवी मीडिया कहा जाए, ये प्रमुख रूप से खबरें छप रही थी। सरकार के मुखिया के नाते तो मुझे आनंद आ सकता है कि देखो भाई, सब समय पे चलना शुरू होगा, सफाई होने लगी, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा था, मुझे पीड़ा हो रही थी। वो बात मैं आज पब्लिकली कहना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं, क्या इस देश में सरकारी अफसर समय पर दफ्तर जाएं, ये कोई न्यूज होती है क्या? और अगर वो न्यूज बनती है तो हम कितने नीचे गए हैं, कितने गिरे हैं, इसका वो सबूत बन जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकारें कैसे चली हैं, आज वैश्विक स्पर्धा में कोटि कोटि भारतीयों के सपनों को साकार करना होगा, तो ये होती है, चलती है से देश नहीं चल सकता। जनसामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शासन व्यवस्था नाम का जो पुर्जा है, जो मशीन है, उसको और धारदार बनाना है, और तेज बनाना है, और गतिशील बनाना है, और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास देता हूं मेरे देशवासियों, इतने कम समय से दिल्ली से बाहर से आया हूं, लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों का सामर्थ्य बहुत है। चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर कोई सामर्थ्यवान है, हर एक की एक शक्ति है, उसका अनुभव है। मैं उन शक्ति को जगाना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूं, और उस शक्ति के माध्यम से
राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। ये हम पाके रहेंगे, हम करके रहेंगे, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और ये मैं 16 मई को नहीं कह सकता था, लेकिन आज 2-2.5 महीने के अनुभव के बाद 15 अगस्त को तिरंगे झंडे की साक्षी कह रहा हूं, ये संभव है, ये होके रहेगा। भाइयों बहनों, क्या देश हमारे जिन महापुरुषों ने आजादी दिलाई, क्या उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमारा भी कोई कर्तव्य है कि नहीं है, हमारा भी कोई राष्ट्रीय चरित्र है कि नहीं है, उस पर हमने गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताए कि हम जो भी कर रहे हैं, दिन भर शाम को कभी अपने आप को पूछा कि मेरे इस काम के कारण मेरे देश के गरीब से गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ, मेरे देश के हितों की रक्षा हुई कि नहीं हुई, मेरे देश के कल्याण के काम में आया कि नहीं आया? क्या 125 करोड़ देशवासियों का मंत्र नहीं होना चाहिए कि जीवन का हर कदम देश हित में होगा? दुर्भाग्य कैसा है, आज देश का एक ऐसा माहौल बना हुआ है, किसी से कोई भी काम लेकर के जाओ तो कहता है इसमें मेरा क्या, वहीं से शुरू करता है, इसमें मेरा क्या, और जब उसको पता चलेगा कि इसमें उसका कुछ नहीं है तो तुरंत बोलता है तो फिर मुझे क्या। ये मेरा क्या और मुझे क्या, इस दायरे से हमें बाहर आना है। हर चीज अपने लिए नहीं होती है, कुछ चीजें देश के लिए भी हुआ करती है, और इसलिए हमारे राष्ट्रीय चरित्र को हमने निखारना है। मेरा क्या, मुझे क्या, उससे ऊपर उठ करके देश हित के हर काम के लिए मैं आया हूं, मैं आगे हूं, ये भाव हमें जगाना है। भाइयों बहनों, आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई ना कोई मां बाप है। क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ, मां बाप तय करें कि हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। भाइयों बहनों, कानून अपना काम करेगा, कठोरता से करेगा, लेकिन समाज के नाते भी, हर मां बाप के नाते हमारा दायित्व है। कोई मुझे कहे ये जो बंदूक कंधे पर उठा करके निर्दोषों के मौत घाट उतारने वाले लोग, कोई माओवादी होंगे, कोई आतंकवादी होंगे, वो किसी न किसी के तो बेटे हैं। मैं उन मां बाप से पूछना चाहता हूं, क्या आपके बेटे से कभी इस रास्ते पर जाने से पहले पूछा था कभी आपने?
हर माँ बाप जिम्मेवारी ले। इस गलत रास्ते पर ले गया हुआ आपका बेटा निर्दोषों की जान लेने के पर उतारू है, न वो अपना भला कर पा रहा है, न अपने परिवार का भला कर पा रहा है और न ही देश का भला कर पा रहा है। और मैं हिंसा के रास्ते पर गए हुए उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप जो भी आज हैं, कुछ न कुछ तो भारत माता ने आपको दिया है तब पहुंचे हैं। आप जो भी हैं, आपके मां बाप ने आपको कुछ तो दिया है तब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंधे पर बंदूक लेकर के आप धरती को लाल तो कर सकते हो, लेकिन कभी सोचो अगर कंधे पर हल होगा तो हरियाली धरती कितनी प्यारी लगेगी, कितनी प्यारी लगेगी। कब तक हम इस धरती को लहूलुहान करते रहेंगे, कब तक हम निर्दोषों की जान लेते रहेंगे? और हमने पाया क्या? हिंसा के रास्ते ने हमें कुछ नहीं दिया है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों नेपाल गया था। नेपाल में मैंने सार्वजनिक रूप से पूरे विश्व के आकर्षण करने वाली एक बात कही थी। एक जमाना था सम्राट अशोक जिसने युद्ध का रास्ता लिया था, लेकिन हिंसा को देख करके युद्ध छोड़ बुद्ध के रास्ते पर चले गए थे। मैं देख रहा हूं कि नेपाल में कोई एक समय था जब नौजवान रास्ते हिंसा के चल पड़े थे, लेकिन आज वही नौजवान संविधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जुड़े लोग संविधान के निर्माण में लगे हैं। और मैंने कहा था शस्त्र छोड़ करके शास्त्र के रास्ते पर चलने का अगर नेपाल एक उत्तम उदाहरण देता है तो विश्व के हिंसा के रास्ते पर गए हुए नौजवानों को वापिस आने की प्रेरणा दे सकता है। भाइयों बहनों, बुद्ध की भूमि नेपाल अगर संदेश दे सकती है तो क्या भारत की भूमि दुनिया को संदेश नहीं दे सकती है? और इसलिए समय की मांग है हम हिंसा का रास्ता छोड़े, भाईचारे के रास्ते पर चले। भाइयों बहनों, सदियों से किसी न किसी कारणवश सांप्रदायिक तनाव से हम गुजर रहे हैं, देश विभाजन तक हम पहुंच गए। आजादी के बाद भी कभी जातिवाद का जहर, कभी सांप्रदायवाद का जहर, यह पापाचार कब तक चलेगा, किसका भला होता है? बहुत लड़ लिया, बहुत लोगों को काट लिया, बहुत लोगों को मार दिया। भाइयों बहनों, एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, किसी ने कुछ नहीं पाया है सिवाय भारत मां के अंगों पर दाग लगाने के सिवा हमने कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं देश के उन लोगों से आह्वान करता हूं, जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो, 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते। एक बार देखो मेरे देशवासियों, मेरे शब्द पे भरोसा कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब तक किए हुए पापों को, उस रास्ते को छोड़ें, सद्भावना भाईचारे का रास्ता अपनाएं और हम देश को आगे ले जाने का संकल्प करें। मुझे विश्वास है कि हम इसको कर सकते हैं। भाइयों बहनों, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमें आधुनिकता की एक मन में भाव जगता है, और हम करते क्या है? क्या कभी सोचा है आज हमारे देश में सेक्स रेशियो का क्या हाल है? 1000 लड़कों के सामने 940 बेटियां पैदा होती है। ये समाज में असंतुलन कौन पैदा कर रहा है?
ईश्वर तो नहीं कर रहा। मैं उन डॉक्टरों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी तिजोरी भरने के लिए किसी मां के गर्भ में पल रही बेटी को मत मारिए। मैं उन माताओं बहनों को कहता हूं कि आप बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाइए। कभी कभी मां बाप को लगता है बेटा होगा तो बुढ़ापे में काम आएगा। मैं समाज जीवन में काम करने वाला इंसान हूं, मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, पांच बेटे हो, पांचों के पांच बंगलों हो, घर में दस दस गाड़ियां हो, लेकिन बूढ़ा मां बाप ओल्ड एज होम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। ऐसे परिवार मैंने देखे और ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां अकेली बेटी हो संतान के रूप में, वो बेटी अपने सपनों को बलि चढ़ाती है, शादी नहीं करती और बूढ़े मां बाप की सेवा के लिए अपने जीवन को खपा देती है। यह असमानता मां के घर में बेटियों की हत्या, ये 21वीं सदी के मानव का मन कितना कलुषित, कलंकित, कितना दाग भरा है उसका प्रदर्शन कर रहा है। इससे हमें मुक्ति लेनी होगी और यही तो आजादी के पर्व का हमारे लिए संदेश है। अभी राष्ट्रमंडल के खेल हुए, भारत के खिलाड़ियों ने भारत को गौरव दिलाया है, करीब 64 जीतने हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं, लेकिन उसमें 29 बेटियां हैं। गर्व करें और ताली बजाइए उन बेटियों के लिए। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है, हम इसको स्वीकार करें और उसे भी कंधे से कंधा मिलाकर के हम साथ लेके चले तो जो समाज जीवन में बुराइयां आई हैं उन बुराइयों से हम मुक्ति पा सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, एक सामाजिक चरित्र के नाते, एक राष्ट्रीय चरित्र के नाते हमें उस दिशा में जाना है। भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ाना है तो विकास एक ही रास्ता है, सुशासन एक ही रास्ता है। देश को आगे ले जाने के लिए यही दो पटरी हैं जो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उसी को लेकर के आगे चल सकते हैं और उसी को लेकर के चलने का इरादा लेकर के हम चलना चाहते हैं। मैं जब गुड गवर्नेंस की बात करता हूं तब आप मुझे बताइए, कोई प्राइवेट में नौकरी करता है उसको पूछोगे तो कहता है मैं जॉब करता हूं, लेकिन जो सरकार में नौकरी करता है उसको पूछोगे तो वो कहता है मैं सर्विस करता हूं। दोनों कमाते हैं लेकिन एक के लिए जॉब है, एक के लिए सर्विस है। मैं सरकारी सेवा में लगे सभी भाइयों बहनों से प्रश्न पूछता हूं, क्या कहीं ये सर्विस शब्द उसने अपनी ताकत खो तो नहीं दी है, अपनी पहचान खो तो नहीं दी है? सरकारी सेवा में जुड़े हुए लोग जॉब नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। और इसलिए इस भाव को पुनर्जीवित करना, एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में इसको हमें आगे ले जाना, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, क्या देश के नागरिकों ने राष्ट्र के कल्याण के लिए कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? आप कल्पना कीजिए, 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले तो यह देश 125 करोड़ कदम आगे चला जाएगा। लोकतंत्र ये सिर्फ सरकारों चुनने का सीमित मायना नहीं है, लोकतंत्र 125 करोड़ नागरिक और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के
देश की आकांक्षा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करें, यह लोकतंत्र का फायदा है। हमें जनभागीदारी करनी है, पीपल्स प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हमें आगे बढ़ना है, हमें जनता को जोड़ करके आगे बढ़ना है। और जोड़ने के आगे बढ़ने के लिए आप मुझे बताइए, आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं पाता, जीवन भर मुसीबतों से गुजारता है। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं, एक प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है, यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1,00,000 रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1,00,000 रुपये का बीमा मिल सकता है। भाइयों बहनों, यह देश नौजवानों का देश है। 65% देश की जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हमारा देश विश्व का सबसे ऊंचा नौजवान देश है। क्या हमने कभी इसका फायदा उठाने के लिए सोचा है? आज दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, आज भारत को भी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। कभी कभार हम अच्छा ड्राइवर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, प्लम्बर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, अच्छा कुक चाहिए, नहीं मिलता है, नौजवान है, बेरोजगार है, लेकिन हमें चाहिए वैसा नौजवान मिलता नहीं। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट, यह हमारा मिशन है। और स्किल इंडिया हिंदुस्तान के कोटि कोटि नौजवानों को स्किल हुनर सीखे, उसके लिए पूरे देश में जाल और घिसी पिटी व्यवस्थाओं से नहीं, उनको वो स्किल मिले जो उन्हें आधुनिक भारत बनाने में काम आए। वो दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो उनके हुनर की सराहना हो। और हम दो प्रकार के विकास को लेकर के चलना चाहते हैं। हम ऐसे नौजवानों को भी तैयार करना चाहता हूं जो जॉब क्रिएटर हो, और जो जॉब क्रिएट करने का सामर्थ्य नहीं रखते, संजोग नहीं है, वे विश्व के किसी भी कोने में जाकर के आंख में आंख मिला करके अपने बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, स्किल डेवलपमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर मैं करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, विश्व बदल चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, विश्व बदल चुका है। अब भारत अलग थलग अकेला या एक कोने में बैठकर अपना भविष्य तय नहीं कर सकता। विश्व की आर्थिक व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, और इसलिए हम लोगों को भी उसी रूप में सोचना होगा। सरकार ने अभी कई फैसले लिए हैं, बजट में कुछ घोषणाएं की हैं, और मैं विश्व को आह्वान करता हूं, विश्व में पहुंचे हुए भारतवासियों को भी आह्वान करता हूं, आज अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बल देना होगा। हमारे नौजवानों की जो विधा है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा और इसके लिए हिंदुस्तान की भी पूरी ताकत लगे, लेकिन विश्व की शक्तियों को भी हम निमंत्रण देते हैं। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए, दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सम मरीन कम मेक इन इंडिया। ताकत है हमारे देश में, आइए, मैं निमंत्रण देता हूं। और भाइयों बहनों, मैं देश के नौजवानों को भी एक आह्वान करना चाहता हूं, विशेष करके उद्योग क्षेत्र में लगे हुए छोटे छोटे लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, मैं देश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं। जैसे मैं विश्व को कहता हूं मेक इन इंडिया, मैं देश के नौजवानों को कहता हूं हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंचनी चाहिए, मेड इन इंडिया, ये हमारा सपना होना चाहिए। क्या मेरे देश के नौजवान देश सेवा करने के लिए सिर्फ भगत सिंह की तरह फांसी पर ही लटकना अनिवार्य है? भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान एक साथ मंत्र दिया था। जवान जो सीमा पर अपना सर दे देता है उसी की बराबरी में जय जवान कहा था। क्यों? क्योंकि अन्न के भंडार भर करके मेरा किसान भारत मां की उतनी ही सेवा करता है जैसे जवान भारत मां की रक्षा करता है। यह भी देश सेवा है, अन्न के भंडार भरना यह भी किसान की सबसे बड़ी देश सेवा है। और तभी तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा था। भाइयों बहनों, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके रहते हुए छोटी मोटी चीजें हमें दुनिया से इंपोर्ट क्यों करनी पड़े? क्या मेरे देश के नौजवान ये तय कर सकते हैं? वो जरा रिसर्च करें, ढूंढें कि भारत कितने प्रकार की चीजों को इंपोर्ट करता है, और वो फैसला करें कि मैं अपने छोटे छोटे काम के द्वारा, उद्योग के द्वारा, मेरा छोटा ही कारखाना क्यों ना हो, लेकिन मेरे देश को इंपोर्ट करने वाली कम से कम एक चीज मैं ऐसी बनाऊंगा कि मेरे देश को कभी इंपोर्ट ना करना पड़े। इतना ही नहीं, मेरा देश एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। अगर हिंदुस्तान के लाखों नौजवान एक 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 आइटम लेकर के बैठ जाए, भारत दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला देश बन सकता है। और इसलिए मेरा आग्रह है नौजवानों से, विशेष करके छोटे मोटे उद्योगकारों से, दो बातों में कॉम्प्रोमाइज न करें, एक जीरो डिफेक्ट, दूसरा जीरो इफेक्ट। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें जीरो डिफेक्ट हो ताकि दुनिया के बाजार से कभी वापस ना आए, और हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिससे जीरो इफेक्ट हो, पर्यावरण पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सपना लेकर के अगर हम आगे चलते हैं तो मुझे विश्वास है मेरे भाइयों बहनों
कि जिस काम को लेकर के हम चल रहे हैं उस काम को पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, पूरे विश्व में हमारे देश के नौजवानों ने भारत की पहचान को बदल दिया है। विश्व भारत को क्या जानता था? ज्यादा नहीं, अभी 25-30 साल पहले तक दुनिया के कई कोने से ऐसे थे जो हिंदुस्तान के लिए यही सोचते थे तो ये तो सपेरों का देश है, ये सांप का खेल करने वाला देश है, काले जादू वाला देश है। भारत की सच्ची पहचान दुनिया तक पहुंची नहीं थी। लेकिन भाइयों बहनों, हमारे 20-22-24 साल के नौजवान जो कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को चकित कर दिया, विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ये ताकत हमारे देश में है, क्या देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। सामान्य मानवीय की रोजमर्रा की चीजें, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन क्या ये मोबाइल गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं? अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे गरीब आदमी, वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है, और डिजिटल इंडिया की तरफ जाना है तो इसके साथ हमारा ये भी सपना है कि हम आज बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट करते हैं। आपको हैरानी होगी भाइयों बहनों, ये टीवी, ये मोबाइल फोन, ये आईपैड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड हम लाते हैं, देश के लिए पेट्रोलियम पैदाशों को लाना अनिवार्य है। डीजल और पेट्रोल लाते हैं, तेल लाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट पर खड़ा हुआ है। अगर हम डिजिटल इंडिया का सपना लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चल पड़े और हम कम से कम स्वनिर्भर बन जाए तो देश की तिजोरी को कितना बड़ा लाभ हो सकता है। और इसलिए हम इस डिजिटल इंडिया को लेकर के जब आगे चलना चाहते हैं तब ई गवर्नेंस इजी गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की ओर जाने का रास्ता है। एक जमाना था, कहा जाता था कि रेलवे देश को जोड़ती है, ऐसा कहा जाता था। मैं कहता हूं आज आईटी देश के जन जन को जोड़ने का ताकत रखती है, और इसलिए हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अगर हम इन चीजों को लेकर के चलते हैं तो मुझे विश्वास है कि डिजिटल इंडिया विश्व की बराबरी करने की एक ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। हमारे नौजवानों में वो सामर्थ्य है, उनको ये अवसर दे रहा है। भाइयों बहनों, हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, टूरिज्म से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है, चना बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, पकौड़े बेचने वाला भी कमाता है, अरे चाय बेचने वाला भी कमाता है। और जब चाय बेचने वाले की बात आती है तो मुझे जरा अपनापन महसूस होता है। टूरिज्म के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है, लेकिन टूरिज्म के अंदर बढ़ावा देने में भी और एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में भी हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी। क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, 21वीं सदी के डेढ़ दशक के दरवाजे पर खड़े हैं तब
क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है सफाई करना, ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते भाइयों बहनों? 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे? ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है, और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं? डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है, उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा महोत्सव बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐशणाएं जगाती हैं, और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है, और इसलिए हम उन बातों को ही कहने के पछतार हैं जिसको हम अपने देखते देखते पूरा कर पाए। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं, मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है, और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं, और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपीलैड फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए, सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के 1 साल के भीतर भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहां खड़े हो, तब विश्वास के साथ खड़े हो कि हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। भाइयों बहनों, अगर हम सपने लेकर के चलते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं। मैं आज एक विशेष बात और करना चाहता हूं,
भाइयों बहनों, देश हित की चर्चा करना, देश हित के विचारों को देना, इसका अपना महत्व है। लेकिन हमारे सांसद वे कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता। वो अपनी बात बता सकते हैं, सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद को कुछ करने का अवसर मिलता नहीं। मैं एक नए विचार को लेकर के आज आपके पास आया। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं, कई नेताओं के नाम से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, संसद आदर्श ग्राम योजना। हम कुछ पैरामीटर तय करेंगे और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3,000 से 5,000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले और कुछ पैरामीटर तय हो वहां की स्थल कार परिस्थिति के अनुसार, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर अपन तय करेंगे और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। इतना तो कर सकते हैं भाई, करना चाहिए ना। देश बनाना है तो गांव से शुरू करें, एक गांव आदर्श बनाएं। और मैं 2016 का टाइम इसलिए देता हूं कि नई योजना है लागू करने में, योजना बनाने में कभी समय लगता है, और 16 के बाद जब 2019 में वो चुनाव के लिए जाए उसके पहले और दो गांवों को करें, और 2019 के बाद हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। जो शहरी क्षेत्र के एमपी हैं उनसे भी मेरा आह्वान है, वे भी एक गांव पसंद करें। जो राज्यसभा के एमपी हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, वे भी एक गांव पसंद करें। हिंदुस्तान के हर जिले में एक अगर आदर्श गांव बना करके हम देते हैं तो सभी अगल बगल के गांवों को खुद को उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। एक मॉडल गांव बना करके देखें, व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बना करके देखें। और मैं 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर इस संसद आदर्श ग्राम योजना की कंप्लीट ब्लूप्रिंट सभी सांसदों के सामने रख दूंगा, सभी राज्य सरकारों के सामने रख दूंगा। और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी इस योजना के माध्यम से अपने राज्य में जो अनुकूलता हो वैसे सभी विधायकों के लिए एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प करिए। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के सभी विधायक एक आदर्श ग्राम बनाएं, सभी सांसद एक आदर्श ग्राम बनाएं, देखते ही देखते हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा, जो हमें गांव की सुख सुविधा को बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है, हमें नई दिशा दे सकता है। और इसलिए इस सांसद ग्राम योजना के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जब से हमारी सरकार बनी है तब से अखबारों में, टीवी में एक चर्चा चल रही है, प्लानिंग कमीशन का क्या होगा। मैं समझता हूं कि जिस समय प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ, योजना आयोग का जन्म हुआ, उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय की जो आवश्यकताएं थी, उसके आधार पर उसकी रचना की गई। और पिछले इन वर्षों में योजना आयोग ने अपने तरीके से राष्ट्र के विकास में उचित योगदान किया है। मैं इसका आदर करता हूं, गौरव करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं। लेकिन अब देश की अंदरूनी स्थिति भी बदली हुई है, वैश्विक परिवेश भी बदला हुआ है, आर्थिक गतिविधि का केंद्र सरकारें नहीं रही हैं,
उसका दायरा बहुत फैल चुका है। राज्य सरकारें विकास के केंद्र में आ रही है और मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूं। भारत को आगे ले जाना है तो राज्यों को आगे ले जाकर के ही होने वाला है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की अहमियत पिछले 60 साल में जितनी थी उससे ज्यादा आज के युग में है। हमारे संघीय ढांचे को मजबूत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को चेतनवंत बनाना, हमारे संघीय ढांचे को विकास की धरोहर के रूप में काम लेना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की एक टीम फॉर्मेशन हो, केंद्र और राज्य की टीम हो, ये टीम बनकर के आगे चले, तो इस काम को अब प्लानिंग कमीशन के नए रंग रूप से सोचना पड़ेगा। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी चली आ रही पुरानी व्यवस्था में उसका कायाकल्प भी करने की जरूरत है, उसमें बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। और कभी कभी पुराने घर के रिपेयरिंग में खर्चा ज्यादा होता है लेकिन संतोष नहीं होता, फिर मन करता है अच्छा है एक नया ही घर बनाते हैं। और इसलिए बहुत ही कम समय के भीतर योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा एक ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे। और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त महर्षि अरविंद का भी जन्म जयंती का पर्व है। महर्षि अरविंद ने एक क्रांतिकारी से निकल करके योग गुरु की अवस्था को प्राप्त किया। उन्होंने भारत के भाग्य के लिए कहा था कि मुझे विश्वास है भारत की दैविक शक्ति, भारत की आध्यात्मिक विरासत विश्व कल्याण के लिए अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रकार के भाव महर्षि अरविंद ने व्यक्त किए थे। मेरी महापुरुषों की बातों में बड़ी श्रद्धा है, मेरी त्यागी तपस्वी ऋषि और मुनियों की बातों में बड़ी श्रद्धा है। और इसलिए मुझे आज लाल किले की प्राचीर से स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द याद आ रहे हैं, जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं। विवेकानंद जी के शब्द थे, मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं कि फिर एक बार मेरी भारत माता जाग उठी है, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। हर भारतीय मानवता के कल्याण के काम आएगा, ये भारत की विरासत विश्व के कल्याण के लिए काम आएगी। ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी ने अपने तरीके से कहे थे। भाइयों बहनों, विवेकानंद जी के सत्य शब्द कभी असत्य नहीं पुरवार हो सकते। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द भारत को जगत गुरु देखने का उनका सपना, उनकी दीर्घ दृष्टि, उस सपने को पूरा करना हम लोगों का कर्तव्य है। दुनिया का यह सामर्थ्यवान देश, प्रकृति से हरा भरा देश, नौजवानों का देश आने वाले दिनों में विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकता है। भाइयों बहनों, लोग विदेश की नीतियों के संबंध में चर्चा करते हैं, मैं साफ मानता हूं भारत की विदेश नीति के कई आयाम हो सकते हैं,
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। क्या हम आजादी की जैसे लड़ाई लड़े, मिलजुल करके लड़े थे? तब तो हम अलग नहीं थे, हम साथ साथ थे। कौन सी सरकार हमारे साथ थी, कौन से शस्त्र हमारे पास थे? एक गांधी थे, सरदार थे, और लक्षावधि स्वतंत्र सेनानी थे, और इतनी बड़ी सल्तनत थी, और सल्तनत के सामने हम आजादी का जंग जीते कि नहीं जीते, विदेशी ताकतों को परास्त किया कि नहीं किया, भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया? हम ही तो थे, हमारे ही तो पूर्वज थे जिन्होंने ये सामर्थ्य दिखाया था। समय की मांग है, सत्ता के बिना, शासन के बिना, शस्त्र के बिना, साधनों के बिना भी इतनी बड़ी सल्तनत को हटाने का काम अगर हिंदुस्तान की जनता कर सकती है, तो हम भाइयों बहनों क्या गरीबी को हटा नहीं सकते? क्या हम गरीबी को परास्त नहीं कर सकते? क्या हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीत नहीं सकते? मेरे 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आओ आओ हम संकल्प करें, हम गरीबी को परास्त करें, हम विजय श्री को प्राप्त करें, भारत से गरीबी का उन्मूलन हो, उस सपनों को लेकर के हम चले। और पड़ोसी देशों के पास भी यही तो समस्या है, क्यों ना हम सार्क देशों के सभी साथी दोस्त मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का की योजना न बनाए, हम मिलकर के लड़ाई लड़ें, गरीबी को परास्त करें। एक बार देखे तो सही, मरने मारने की दुनिया को छोड़ करके जीवित रखने का आनंद क्या होता है? यही तो भूमि है जहां सिद्धार्थ के जीवन की घटना थी। एक पंछी को एक भाई ने तीर मार दिया और एक दूसरे भाई ने तीर निकाल करके बचा लिया, मां के पास गए, पंछी किसका, हंस किसका? मां ने पूछा, मारने वाले का, बचाने वाला? मां ने कहा, बचाने वाले का। मारने वाले से बचाने वाले की ताकत और होती है, और वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है, वही तो आगे जाकर के बुद्ध बन जाता है। और इसलिए मैं पड़ोस के देशों से मिलजुल करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लड़ने के लिए सहयोग चाहता हूं, सहयोग करना चाहता हूं। और हम मिलकर के, सार्क देश मिलकर के, हम दुनिया में अपनी अहमियत खड़ी कर सकते हैं, हम दुनिया में एक ताकत बन के उभर सकते हैं। आवश्यकता है हम मिलजुल करके चले, गरीबी से लड़ाई जीतने का सपना लेकर के चले, कंधे से कंधा लेकर के चले। मैं भूटान गया, नेपाल गया, सार्क देशों के सभी महानुभाव शपथ समारोह में आए, एक बहुत अच्छी शुभ शुरुआत हुई है, सुनिश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे मेरा विश्वास है। और देश और दुनिया में भारत की सोच, हम देशवासियों का भला करना चाहते हैं और विश्व के कल्याण में काम आ सके, ऐसा हिंदुस्तान हाथ फहराना चाहता है। इन सपनों को लेकर के पूरा कर करके आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त को देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प लेकर के चलेंगे, हम देश के लिए काम आए, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं, यह देश उसकी एक नियति है, विश्व कल्याण की नियति है, यह विवेकानंद जी ने कहा था। यह नियति को पूर्ण करने के लिए यह भारत का जन्म हुआ है, यह हिंदुस्तान का जन्म हुआ है। इसकी परिपूर्ति के लिए 125 करोड़ देशवासियों ने तन मन से मिलकर के राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देश के सुरक्षा बलों को, देश के अर्धसैनिक बलों को, देश के सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को, मां भारती की रक्षा के लिए उनकी तपस्या, त्याग, उनके बलिदान, उनका गौरव करता हूं। और मैं देशवासियों को कहता हूं, राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हम जागते रहो,
सेना जाग रही है, हम भी जागते रहें और देश नए कदम की ओर आगे बढ़ता रहे, इसी एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। सभी मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, वंदे वंदे वंदे।